तो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर जो भी हम पेमेंट करते हैं उनकी एंट्री को कैसे पास आउट करते हैं बिजी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम 5 केसेस समझेंगे जो पेमेंट करते टाइम होते ही होते हैं। पेमेंट करते वक्त हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हमको सामने वाली पार्टी का अकाउंट 0 करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी को भी हम पेमेंट कैश के अंदर कर देते हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी। सबसे पहले आज की डेट आएगी, कैश की एंट्री देते वक्त यहाँ पर वाउचर नंबर आप चाहे डालें चाहे ना डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप जो है हमारा वो रेगुलर रहेगा, जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर डेबिट के अंदर आ जाएगा जिसको हम पेमेंट करेंगे, अमाउंट डालेंगे, क्रेडिट में आ जाएगा कैश, इसको सेव करेंगे। जीएसटी आने के बाद आप ना तो इस लिमिट से ज़्यादा पेमेंट रिसीव कर सकते हैं कैश के अंदर और ना ही पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड केस, अगर हम बैंक से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगी। जिस भी डेट पर हम वो पेमेंट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, वाउचर नंबर के अंदर हम डाल देंगे NEFT। अगर हम NEFT करेंगे, RTGS करेंगे तो RTGS डालेंगे, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो चेक नंबर डालेंगे। टाइप आपका रेगुलर रहेगा, GST नेचर नॉट एप्लीकेबल, जिसको पेमेंट करेंगे वो डेबिट हो जाएगा, अमाउंट डालेंगे और क्रेडिट हो जाएगा हमारा बैंक। बैंक हो सकता है आपके पास 2-3 अकाउंट हो तो जिस भी अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे। थर्ड केस के अंदर हम बात करेंगे बैलेंस पेमेंट के ऊपर। जैसे यहाँ पर मेरे पास RS एंटरप्राइजेस का बैलेंस है 5,15,200 रुपये। यहाँ पर हमको पार्टी से 2 बिल आए हैं, हो सकता है कि हम एक बिल की पेमेंट एक बार करें, दूसरे बिल की पेमेंट अगली बार करें। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे 3/36 का ये बिल है हमारे पास, इसकी पेमेंट हम पार्ट्स के अंदर करवाएं। 3/36 के अंदर से हमने पेमेंट करा दी पहले 36,000 की, उसके बाद 50,000 की, उसके बाद 1,00,000 की। अमाउंट कुछ भी हो, जैसे जैसे हम पेमेंट करते रहेंगे वो यहाँ पे हम एंट्री करते रहेंगे, जो भी बैलेंस बचता रहेगा वो यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। केस नंबर 4, यहाँ पर जैसे RS एंटरप्राइजेस का बैलेंस है 5,15,200, तो पार्टी ने हमको एक ऑफर दिया कि आप एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर ये टोटल अमाउंट को आप पे करते हो तो इस अमाउंट के ऊपर हम आपको 5,200 का डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पर अब हमको पेमेंट करनी है टोटल 5,10,000। यहाँ पर हम मानते हैं कि पार्टी के दिए हुए टाइम के अंदर हमने पेमेंट कर दी, तो 5-10 की एंट्री तो हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, जो 5,200 रुपये बचेंगे इस 5,200 को भी हमको ख़त्म करना है। इसको जीरो करने के लिए हम एक डिस्काउंट रिसीव की एंट्री पास करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर। यहाँ पे RS एंटरप्राइजेस डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा, इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर ऐसे ही अकाउंट 0 हो जाएगा। केस नंबर 5, अब हो सकता है कि आप पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप PDC चेक दे रहे हैं, तो PDC चेक देते वक्त हम एंट्री पास आउट करते हैं, जिस डेट पर हम चेक इशू कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, चेक नंबर यहाँ पे आएगा, टाइप के अंदर अब PDC हो जाएगा, PDC डेट यहाँ पर डालेंगे, जिसको पेमेंट करेंगे वो डेबिट हो जाएगा, अमाउंट डालेंगे, क्रेडिट बैंक हो जाएगा, वाउचर को सेव करेंगे। यहाँ पर अभी हमने बस PDC चेक दिया है पार्टी को, जब भी ये पेमेंट आपके बैंक से कटेगी तो आप इस एंट्री को रेगुलर के अंदर चेंज कर देंगे। तो ये कुछ 5 केसेस थे। PDC चेक क्या होता है
जानने के लिए राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करें।